नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर के धामपुर की, जहां नेटो रोड स्थित सुमंगला फार्म हाउस में समाजवादी पार्टी की चुनावी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सपा के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व राज्य मंत्री जावेद आबदी मौजूद रहे। धामपुर विधानसभा प्रत्याशी नईमुल हसन अपने काफिले के साथ सभा में पहुंचे, जहां उनका फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। सभा की अध्यक्षता कर रहे वीरेंद्र रस्तोगी एवं कार्यक्रम संयोजक योगेश रस्तोगी बाबू भैया द्वारा जावेद आबदी एवं नईमुल हसन को पगड़ी और माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन पप्पू अखलाक ने किया। नईमुल हसन ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाली 14 तारीख को अपना कीमती वोट समाजवादी पार्टी को दें और मुझे जनता के बीच आकर काम करने का अवसर दें। इस दौरान मुख्य अतिथि जावेद आबदी ने जानकारी देते हुए बताया, अंधेरे घरों में समाजवादी पार्टी उजाला लाने का काम कर रही है। चलो बस चलो, सब कुछ ठीक है, आने दो भाई साहब, बहुत कम है। विदेश के लोगों को सबसे पहली सौगात दी, 15 लाख नौकरियां पहली कैबिनेट मीटिंग में पास कर दी। किसानों के लिए जो और दूसरी जगह पर पैसा खर्च होता था, किसानों के लिए दौलत के अंबार खोल दिए जा रहे हैं। और मैं बड़े यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आज़ाद हिंदुस्तान में न जाने कितनी सरकारें आई, मगर अभी तक किसी सरकार ने किसानों के लिए इतना काम नहीं किया होगा जितनी समाजवादी पार्टी की सरकार। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी पर, हमारी पार्टी पर, हमारे नेता के पिताजी माननीय मुलायम सिंह जी यादव पर, उन पर जनता को यकीन है कि जब वो मैनिफेस्टो निकालते हैं तो पत्थर की लकीर होती है, कागज का टुकड़ा नहीं होता। इसलिए पत्थर की लकीर है और बड़े भरोसा है जनता को। आज आप एक बात ज़रूर कह सकते हैं कि इतना हुजूम, इतनी भीड़, इतना लश्कर, इस बात का सबूत है कि जनता को अगर किसी पर भरोसा तो वो समाजवादी पार्टी पर। अगर भरोसा है तो वो समाजवादी पार्टी पर, और जनता को किसी नेता पे भरोसा है तो माननीय अखिलेश यादव जी पर। इसलिए यहाँ पर धामपुर सीट पर मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि नईमुल हसन नहीं खड़े हुए। नईमुल हसन की हमारी हैसियत कुछ नहीं है, यहाँ पे नाम बदला हुआ है, बल्कि अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ वो आदमी, वो इंसान, वो वोटर जो खुशहाली लाना चाहता है, जो बदलाव चाहता है, जो तब्दीली चाहता है, जो नफ़रतों से काले बादलों को छाटना चाहता है, जो मोहब्बत के उजाले को देखना चाहता है, वो साइकिल पे सुबह की पहली किरण धरती पे पड़ने से पहले बूथों पे खड़े होकर इतना वोट डालेगा कि मोदी जी और योगी जी थरथराते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस दौरान जिला अध्यक्ष राशिद हुसैन, पूर्व सांसद इंजीनियर ऋषवी सिंह धोबी, पूर्व जिलाध्यक्ष अनिल यादव, महिला जिलाध्यक्ष प्रभा चौधरी, जिला उपाध्यक्ष राजा सैनी, हाजी मोहम्मद फैजल, विधानसभा अध्यक्ष बहादुर अंसारी, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष महमूद हसन कसार, डॉक्टर बुनियाद, सलमान फरीदी, असलम फरीदी सहित सपा कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।